somme toute. एक इंडिविजुअल कर दिया, सोलो सोलो, एक सोलो सोलो कर दिया, साथ में स्टार्ट कर दिया। शाम को। बीच में है ना, बीच में, बीच में। नहीं 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 स्लाइडली मूव या क्या पर तो दिख ही रहा है ये लोग या दिस क्या है आशीष क्या हुआ अगर क्लियर कर दो भी हो गया आराम से यहां पे कीजिए ये पे कर इधर यहां पे हटो Where's Ali? No problem. Take your time. कौन कौन है? सबको देखेंगे. Rolling सबको देखेंगे. इतने सारे सवाल एक साथ किस तरह के किरदार होने वाले स्क्रीनिंग है बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैंने देखी हुई है फिल्म पहले सो आई एम श्योर सबको बहुत ही अच्छी लगने वाली है फिल्म हॉटस्टार पे रिलीज़ हो गई है ऑलरेडी आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी लगी क्रिकेट पे है फ्रेंडशिप पे है लव स्टोरी है जो भी आप सबको पसंद है सब कुछ है एक ही फिल्म में नहीं बड़ी अच्छी ऑनेस्ट फिल्म है एक ऐसी फिल्म है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बार बार देख सकते हैं आई होप आप सबको बहुत पसंद आई फिल्म किरदार के बारे में कुछ बताइए जी तो मेरा किरदार है परवेज़ का ये एक कश्मीरी किरदार है चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक लड़की से प्यार करता है बट उस लड़की को कभी बोल नहीं पाया कि उससे वो प्यार करता है तो यही किरदार है आपको आप और आपको अगर और जानना तो वो देखना पड़ेगा आप लोग फिल्म देख रहे हो ना आज फिल्म देखने के बाद आप डिसाइड करना मैं हूँ स्नोअर कश्मीरी लड़की है पहली बार कश्मीरी किरदार प्ले कर रही हूँ वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार एक्चुअली बुरखे में नजर आऊंगी मैं आई ऑलवेज वांटेड टू समथिंग एक्सोटिक सो आई फील आई यू नो आई फाइनली डन दैट ये खूबसूरत आंखें दिखेंगी आपको सिर्फ आंखें दिखेंगी सो जो परवेज है उनकी और स्नोर की लव स्टोरी है तो मैं इनकी कहानी का इनकी बड़ी सी कहानी का जहाँ पे शिविन है अली है चंदन है हार्दिक है इनकी कहानी का एक हिस्सा हूँ आई एम द लव स्टोरी इन द फिल्म तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म इन द सेंस जो लव स्टोरी है वो मेरी फेवरेट है नॉट बिकॉज मैं उसमें हूँ बिकॉज इट्स शॉट सो ब्यूटीफुली गाने बहुत अच्छे हैं उसमें ऑफकोर्स गानों के बगैर तो लव स्टोरी बनती है नहीं ये वाकई में बड़ी खूबसूरत स्टोरी है इट्स लाइक यू गाइस विल लव इट बड़ी अच्छी तरह शूट करा गया कश्मीर के सेक्शन को पूरी फिल्म को बड़े ही प्यार से बनाया है फिल्म को तो आई होप आप सब लोगों को पसंद आए फिल्म मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ इतना एक्साइटेड हूँ गिर जाऊँगा किसी वक्त भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब फिल्म रिलीज होने से पहले ना यू हैव द नर्वसनेस यू डोंट नो कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं
ये एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में हम शो के लोगों को पसंद आएगी क्योंकि इट्स अ फील गुड फिल्म. लाइक ये जो फिल्म आप देख के जब बाहर निकलोगे ना यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. इट्स वेरी एक्साइटिंग. आई थिंक इट्स अबाउट लाइफ. दैट्स इट. जी देखिए की बात कर रहे हैं. जी जी जी. हाँ जी जी बिल्कुल. बाकायदा जो हमारी प्रोडक्शन डायरेक्शन टीम है ये इन्हें एक कश्मीरी कोच हायर किया था तो मुझे कश्मीरी एक्सेंट सीखना पड़ा फिल्म के लिए. एंड ही इज डन अ ब्यूटीफुल जॉब. आप जब मतलब ये जब बात कर रहे हैं ना उर्दू में ही एक्चुअली साउंड्स लाइक शायरी एंड ऑल ऑफ दैट इन्होंने कही हुई है. बहुत अच्छा लगा सुनने में. तो काफ़ी रिसर्च करी हमने. मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने पहले हमने काम किया फिल्म पे तो रिसर्च बहुत हुई है फिल्म पे. तो होपफुली आपको वो फिल्में दिखेगी. थैंक यू. थैंक यू. जी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको. हैप्पी होली. एंड या बी सेफ प्ले सेफ. रास्ते में बहुत डॉग्स होते हैं हमारे कैट्स होते हैं. प्लीज डोंट पुट कलर्स ऑन देम. उनको अच्छा नहीं लगता है. एंड जस्ट बी केयरफुल विद योर एनिमल फ्रेंड्स बिकॉज उनको पता भी नहीं है कुछ. एंड पीपल थ्रो कलर्स इन देम एंड इट्स नॉट नाइस. बी अवेयर विद देम एंड ट्राई एंड यूज एनवायरमेंटली फ्रेंडली कलर्स. ओके थैंक यू. थैंक यू. एक्शन आप बोलिए. करना क्या है? अगर इनका अच्छा था तो मेरा भी अच्छा ही था एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस इट वॉज एन एक्सपीरियंस. मतलब फर्स्ट फिल्म है तो ऑब्वियसली नर्वसनेस एंग्जाइटी वो सब तो रहना ही है. बट इसलिए करते जाओ होते जाता. तो आपने फर्स्ट टाइम डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सीनियर एक्टर्स आपने सब काम किए तो कितना आपने उनको मतलब उन्होंने आपको बताया आपने कितना? नहीं सब लोग सेम पेज पे थे तो सीनियरिटी और सब की तो चीज़ थी नहीं. इट वॉज ग्रेट इन द सेंस ऑनेस्टली. जो मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में जितना भी मालूम था जितना भी मैंने किया आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम. जितने शांत हैं अभी दिख रहे हैं उतने शांत वो सेट पे है नहीं. ही नोज वॉट ही वॉन्ट्स एंड ही नोज हाउ टू गेट इट ऑल्सो आउट ऑफ हिज एक्टर्स विच इज़ ग्रेट. आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वालिटी फॉर अ डायरेक्टर. सो आई मीन आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट. जैसे आपको फिल्म दिखेगी अभी you know the way it's the beauty of everything, every frame to the actors performing, I think every single thing, all the credit goes to him. Yeah. Sir, aap bata sakte hain kaisa raha thoda kuch nahi debut hai to ek achhi kahani chunna bahut important hota hai. And Ravi ne bakhubi wo kiya hai ki jisme har prakar ke shades hain. Aap ek love story bhi dekhenge, ek alag prakar ka ek slice of life bhi dekhenge. And jis hisab se location shoot kiye hai, I mean ek debut ke liye is prakar ki story lena चैलेंजिंग तो होता ही है. पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि पूरे मेहनत से बनाई है. एंड आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगी जैसे हमको पसंद आई इसको बनाने में. हो गया. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. वापस जी कहिए पूछिए. ओके हाय सर. सबसे पहले तो ये स्क्रीनिंग है जी. सबसे ज्यादा एक्साइटिंग इस सीरीज में देखने के लिए किस चीज के लिए? फिल्म में देखने के लिए? देखिए वी आर इन द शो बिज फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 80 इयर्स.
मेरे डैडी 1942 से काम कर रहे थे, मैंने 1971 से काम शुरू किया, एंड नाउ माय सन ही विल फॉलो द लेगेसी ऑफ द फैमिली. तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं दूल्हा का बाप हूँ, और किसी भी बाप के लिए इससे बढ़ के खुशी की बात नहीं हो सकती कि जिस लाइन में उसका बेटा जाना चाहता है या बाप का ताल्लुक जिस लाइन से है, बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है. तो ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन है अली का, और यकीनन मुझे उम्मीद है ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी फोकस्ड, तो ये यकीनन फैमिली की लेगेसी को ये कायम रखेगा. और पहला कदम है इसका, तो मैं यही कहूँगा कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या. अली, जी देखिए, जब मैं पहले दिन शूटिंग कर रहा था तो वो प्रेशर तो रहता है, यू नो, यू थिंक अबाउट थिंग्स, आप सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे सोचते हैं. अगर मैं बोलूं कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा तो मैं झूठ बोल रहा हूं. सो बट प्रेशर था, बट जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई, यू नो, प्रेशर चला गया. सो या, इट वॉज फाइन बाय द एंड ऑफ इट. एंड कमिंग बैक टू हिज गोल्डन वर्ड्स, जस्ट वर्क हार्ड, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड जस्ट गो फॉर इट. और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऋषि कपूर, उन्होंने आज बहुत अच्छा ट्वीट किया है अली के लिए. ही हैड मेंशन माय फादर, ही हैड मेंशन मी एज हिज फ्रेंड एंड कलीग, और अली को उन्होंने बेस्ट विशेज दिए हैं ऋषि कपूर ने. एंड एज यू नो के मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक रहा है, टू बी प्रिसाइज पूरा ताल्लुक मेरा कपूर फैमिली से रहा है. मैंने 3 फिल्में मुतवातिर की हैं उनके साथ, तो इट्स लाइक अ फैमिली. सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी कि चिंटू ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया. और अली, जी, आई एम अप फॉर एनीथिंग. मतलब आप मुझसे नेगेटिव करा लिए या पॉजिटिव करा लिए या यू नो A+, B+, - करवा लिए, आई एम अप फॉर एनीथिंग. आई डोंट रियली हैव दिस इशू कि यू नो प्रोटैगनिस्ट है एंटैगनिस्ट है. वो I don't have any issues with that. If the script is good, I know it sounds very cliched, but I'll do it. As simple as that. Sir, ये platform तो आप लोगों के ज़माने पे था नहीं, अब नया platform निकला है. जी जी. लगता है कि actors के लिए एक नया platform. नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और globally इसकी audience है, millions में है, crores में है, तो ये एक parallel industry खुल गई है. And I think that both the industries are going to coexist, films and web films, ये बिल्कुल एक साथ चलेंगी. So, चलना भी चाहिए, एक तब्दीली आना चाहिए. And there is a saying in English that if you can't win them, join them. अगर आप उन्हें जीत नहीं सकते तो उनके साथ हो जाइए. हम ये काम करेंगे. हम वी फाइटिंग ईच अदर. नो, नॉट रियली. आई बी वेरी नर्वस वर्किंग विथ हिम, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. देखिए, ऐसा हुआ है कि ये मुझे अलाउ नहीं करता था कि मैं शूटिंग देखने आऊँ, क्योंकि ये कहता था डैडी आपको देखूंगा तो मैं डायलॉग भूल जाऊँगा. ऐसी भारी पर्सनैलिटी आएगी तो आप डायलॉग नहीं भूलेंगे. यही बात शाहिद कपूर ने भी कही थी अपने डैड के बारे में कि एक बार वो शूटिंग कर रहे थे और डैड उनकी शूटिंग देखने के लिए आए तो वो डायलॉग भूल गए. तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, बट इसको बहुत गट्स कल्टीवेट करने होंगे मेरा सामना करने के लिए. थैंक यू. बस यही कहूँगा आप सबसे कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर के तकरीबन 80 साल हो गए मुराद फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री में. बस
मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे दर्शक हैं कि बस अली को वेलकम कीजिए, इसने बड़ी मेहनत की है, इसकी हिम्मत को सराहिए, इसकी पीठ थपथपाइए और इसकी हौसला अफजाई कीजिए, यही कहूँगा। होली जो है वो रंग है, होली में भांग है, होली में मस्ती है, होली में हंसी मजाक है, और होली में जैसा कि कहा जाता है कि जब दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वो दोस्त हो जाते हैं। होली मैं हमेशा बहुत इन्जॉय करता हूँ, और क्योंकि आरके में बड़ी अच्छी होली होती थी तो वो हमेशा मुझे याद आती है। तो मैं अपने तमाम देशवासियों को होली त्यौहार की, जो कि प्यार का त्यौहार है, जो कि मोहब्बत का त्यौहार है, जो कि भाईचारगी का त्यौहार है, जो कि अपने रंग में रंग जाने का त्यौहार है, मैं तमाम देशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि ये आने वाली होली जो है ये आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आप सदा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। हैप्पी होली टू एवरीवन, हैप्पी होली, थैंक यू विजुअल जी। और मैं एक बात कहना भूल गया था, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। एक बात मैं कहना भूल गया, आई वुड लाइक टू देखिए, मैं ये चाहता था कि अली बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे। मैंने गौतम अधिकारी जी के पास इसे असिस्टेंट रखा, ये बस से जाता था, ये वर्कर्स के साथ बाकायदा बहुत हार्ड वर्क करता था जैसे एक असिस्टेंट करता है, उन्हीं के साथ खाना खाता था, उन्हीं के ये चाहता तो मेरी गाड़ी में भी जा सकता था, लेकिन मैंने कभी उसको गाड़ी दी नहीं। कि एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारो, आम इंसान की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें होती हैं, आम इंसान जो है किन किन मुश्किलात से गुजरता है, ये तुम्हें आना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि आम जिंदगी क्या होती है, आम इंसान किस तरीके से जीता है। एंड आई टोल्ड एवरीबडी कि इसके साथ कुछ फेवर ना किया जाए, जिस तरीके से और तमाम वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर हिम। तो मैंने पहले से ही इसको कमांडो ट्रेनिंग दे रखी है, ये 18-18 घंटे शूटिंग करता था, रात रात भर शूटिंग करता था और बस से आता जाता था, बस यही कहना चाहता।